मैडम यहाँ पे है दिक्कत। इतना सब कुछ हो गया है उसके बाद ये लेके मेरे पास आए हो? मैं नहीं करूंगी इसका इलाज, जाओ कहीं और जाओ, कितना गंदा लग रहा है, मैं नहीं करूंगी, जाओ यहाँ से। फिर क्या दिक्कत है बताओ? मैडम मैडम यहाँ पे है दिक्कत। कॉट क्या है ये सब? गंभीर बीमारी है, वो सब तो ठीक है अगर साफ रखते और इतने घना जंगल नहीं रखते तो ये सब कुछ नहीं होता। जी मैडम। खैर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इसका इलाज है मेरे पास। मैं मेडिसिन दे देती हूँ कुछ और एक इंजेक्शन देती हूँ, वो लगाना। जी मैडम। ये पूरा इसमें डालना है और अच्छे से, ठीक है? जी मैडम। नहाते कब कब हो? मैडम 2-3 दिन छोड़ के एक बार। आई होप डेली नहाओ और अपने इस जंगल को साफ कर लो। जी मैडम, कभी घर जाके साफ कर लूंगा। ये लो, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो तुम्हें सुबह शाम लेना है खाने के बाद। ठीक है मैडम, लेकिन मैडम ये तो बता दो कि कैसे खाना है। खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद एक गोली ये और एक गोली ये 5 मिनट बाद। 5 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए और एक सुबह और शाम, ठीक है? और ये एक हफ्ते का तुम्हारा खुराक है और एक ट्यूब और है। जी मैडम। मैं तुम्हें एक ट्यूब देती हूँ। ये इस पे एड्रेस है, यहाँ से ट्यूब खरीद लेना और ट्यूब को अच्छे से लगाना है, तभी ये तो तुम्हारे है ना प्रॉब्लम वो खत्म होगी। ठीक है मैडम। ओके मैडम, और हाँ एक बात और कह रही हूँ, एक हफ्ते के बाद आ जाना दोबारा, मैं चेक कर लूँगी कि अब जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? जी मैडम, मैं आ जाऊँगा। ध्यान से चेक करने आ जाना और चेकअप के टाइम पे जब आना नेक्स्ट टाइम तो ये जंगल हट जाना चाहिए। जी मैडम, अभी बस घर जाते ही साफ कर लूँगा। हाँ ठीक है, जाओ। पर ऐसे एक बात बताओ मुझे, तुम घबरा क्यों रहते हो मुझे बताने से? मैडम क्या करूँ, जेंट्स डॉक्टर बंद पड़ा था और आप लेडीज डॉक्टर हो तो इसलिए मैं आपके पास आ गया। अब मैडम थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि आपके सामने मैं कैसे दिखाऊंगा। एक बात बताओ, अच्छा मैं फीमेल हो तो इसलिए तुम मेरे सामने घबरा रहे थे, और मेल होता तो कोई इशू नहीं होता, तुम बिंदास खोल के दिखा के आराम से चेकअप करवा लेते। तो मैं अभी तो डॉक्टर ही हूँ और हम मेल फीमेल देख के अगर डॉक्टर बनते तो फिर ऐसा तो होता ही नहीं। मेल फीमेल देख के तो हम डॉक्टर बने नहीं है, हम अपने काबिलियत पे बने डॉक्टर। और डॉक्टर किस लिए होते हैं? हर किसी के लिए होते हैं, ये तो नहीं कि फीमेल डॉक्टर है तो फीमेल के लिए होंगी, मेल डॉक्टर तो मेल के लिए होंगी। अब तुम अगर ऐसे घबराओगे तो फिर हम तुम्हारा सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जी मैडम, आगे से नहीं होगा। ठीक है, जब तो गाइस मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, जो गलती आज इन्होंने की है वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो मेल डॉक्टर है तो फीमेल लेडी नहीं जा सकती है या फीमेल डॉक्टर है तो मेल नहीं जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। डॉक्टर हम लोग काबिलियत पे बनते हैं और लोगों के लिए बनते हैं और हर किसी के लिए बनते हैं, चाहे फीमेल डॉक्टर हो चाहे मेल डॉक्टर हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल और अपना आपको ना इतना कॉन्फिडेंस लेवल बनाइए कि आप किसी को भी कुछ भी खुल के बता सकते हैं। एटलीस्ट एक डॉक्टर को, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, ये मत देखिए, आप जेंडर मत देखिए, एक डॉक्टर है तो आप खुल के बताइए, तभी वो आपके सोल्यूशन निकाल सकते हैं।